हे, तूने जो काम किया वो एकदम गलत है। हे, तू टाइम पे क्यों नहीं आया? तेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ तुझे? काफी बार ऐसी सिचुएशंस खड़ी होती है। चलो एक केस शेयर करता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए जो हर छोटी चीज़ पे खुद की एनर्जी को इस तरीके से वेस्ट करते थे। वो बेसिकली चाहते थे कि सामने वाले को मैं समझाऊँ, सामने वाले को इतना सिखाऊँ कि वो सही तरीके से वे ऑफ लिविंग सीखे। और उसने जो मेरे काम के अंदर जो दखल अंदाजी की, उसको मैं कंपलसरी मेरा टाइम इन्वेस्ट करके उसको सिखाऊं। ऐसा हम काफी बार करते हैं और हमारी एनर्जी इतनी वेस्ट करते हैं ऐसे लोगों को समझाने में जिनको वो चीज़ की समझ नहीं है, या तो वो उनका बिहेवियर है जो उनका डेली रूटीन है, पर हम उस चीज़ को हमारे लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि हमारा इतनी एनर्जी इन्वेस्ट होती है, जबकि वो सम 0.1% ऑफ हमारी लाइफ है। ऐसा ही उस पेशेंट के साथ हो रहा था एंड ही वॉज हैविंग मल्टीपल कंप्लेंट। उसकी वाइफ थक गई थी उसे समझाते हुए कि वो लोग वर्थ नहीं है तुम्हें तुम्हारे टाइम इन्वेस्ट करने के पीछे। बट जब हम हमारी जिद में रहते हैं तो हम उन पे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो यही हमें सीखना है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्ट टाइम ओनली ऑन दोज इंडिविजुअल्स हु विल लर्न। अदरवाइज आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को चेंज करिए और अपनी एनर्जी उस पर इन्वेस्ट करना कम करिए। थैंक यू।